हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं तंदूरी स्टाइल पनीर टिक्का। उसके लिए आपको पनीर के टुकड़े और शिमला मिर्ची, प्याज और टमाटर चाहिए। उसको आप काट के रख लीजिए। सबसे पहले हम कढ़ाई में थोड़ा सा घी लेंगे एक चम्मच, और उसमें 3 चम्मच बेसन के डाल के उसको भून लेंगे। बेसन को अच्छी तरह ब्राउन होने तक भूनना है, ताकि जब हम इसको बाद में पकाएं तो ये कच्चा ना लगे खाने में। जब इसकी खुशबू आने लगी भूनने की, तो समझिएगा बेसन भून चुका है। जब तक बेसन भूनता है, पांच मिनट लगते हैं बेसन को भूनने में। सामान को आपको काट के रख लेना है। बेसन भून चुका है, गैस ऑफ कर दीजिए, इसको ठंडा होने दीजिए। तब तक हम इसके साथ सर्व करने वाली दही और पुदीने की चटनी बना लेते हैं। उसके लिए पुदीने के पत्ते, थोड़ा लहसुन और थोड़ा अदरक, 1 बड़ा प्याज और 2 टमाटर डाल के आपको नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और चाट मसाला 1/2 चम्मच डाल के पीस लेना है मिक्सी के जार में डाल के। चटनी आपकी बिल्कुल बारीक होनी चाहिए, और साथ में हम दही को छान लेंगे उसका एक्स्ट्रा पानी निकाल के, और उस दही में चटनी के 3-4 चम्मच आपको मिक्स करके बाजार जैसी एकदम चटनी बनानी है। अगर आपको बहुत ग्रीन चटनी चाहिए तो आप इसमें टमाटर स्किप कर दीजिए। पुदीना और अदरक लहसुन और प्याज ही डालिए, हरी मिर्ची, सेम आपके होटल जैसी चटनी बनेगी। दही को अच्छी तरह फेंट लेना है। चलिए, अब जो बेसन था उसमें थोड़ा सा आपने दही डाल के, और नमक, काली मिर्ची, लाल मिर्ची, धनिया पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला डाल के अच्छी तरह फेंट लेना है। और जो भी आप टिक्का के लिए, इसमें आप स्टील की स्लाइस भी मिलती है वो भी ले सकते हैं, बट मेरे पास जो स्वेटर बनाने वाली स्लाइस पड़ी थी तो वो वेस्ट ही पड़ी थी, तो मैं उनको यूज़ कर रही हूँ। अब इसको फेंट के इसमें पनीर को आपने डिप करना है, और ऐसे सिलाई में फिल करते जाना है। आप चाहें तो प्याज और शिमला मिर्ची को भी बेसन से लपेट सकते हैं। अब आप गैस को ऑन कीजिए और उसके ऊपर इसको भूनने के लिए रख दीजिए। आप हाथ में पकड़ के भी भून सकते हैं। मैंने एक तरफ गिलास रख दिए हैं, दोनों तरफ गिलास, और मैंने लोटा रख के उसके ऊपर मैंने सिलाई को गैस के ऊपर रख दिया है। देखिए, अगर आप ऐसे भून के नहीं खाना चाहते तो आप फ्राई पैन में भी इसको, नॉन स्टिक फ्राई पैन पे भी तेल डालकर फ्राई कर सकते हो, बट ऐसे तंदूरी जैसा ही टेस्ट आता है, बिल्कुल सेम रेस्टोरेंट जैसा ही टेस्ट आता है। आप बना के देखिए, ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसा लगा टेस्ट। और
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लीजिए आपके तंदूरी स्टाइल पनीर टिक्का तैयार है चटनी के साथ। इंजॉय करिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।